नमस्कार दर्शक मित्रों, हूँ छु भास्कर अक्षिता। तमे जोई रह्या छो लोकसामना न्यूज। तो जो आज ना समाचार बंडा मुंडा थी अमारा रिपोर्टर लखन लोहर साथ। रेलवे नगरी बंडा मुंडा की सभी पूजा पंडालों में नवरात्र उत्सव धूमधाम से मनाया। रेलवे नगरी बंडा मुंडा की सभी पूजा पंडालों में आज नवरात्र उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कई लोग नवरात्रि अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं और वैदिक पंचांग के अनुसार इस पर अष्टमी और नवमी एक ही दिन यानी 11 अक्टूबर को किया जाएगा, इसलिए कन्या पूजन भी इसी दिन करना शुभ होगा। कन्या पूजन में मुख्य रूप से छोटी कन्याओं को घर पर आमंत्रित किया जाता है और उन्हें भोजन करवाया जाता है। इसके बाद कन्याओं को विदा करते समय उनका आशीर्वाद लिया जाता है। भोजन के बाद उन्हें उपहार के रूप में कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए। कन्या पूजन के दौरान उपहार के रूप में उन्हें श्रृंगार का सामान जैसे किल्प, चुनरिया, चूड़िया आदि दे सकते हैं। इसी के साथ शिक्षा से संबंधित चीज़ें जैसे कॉपी, पेन, पेंसिल भी कन्याओं को दिया जा सकता है। अपने घर से कन्याओं को विदा करने से पहले उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए और जय माता दी के जयकारों के साथ उन्हें विदा करें। ऐसा करने से माता रानी आपसे प्रसन्न होती है। तो फिर से मिलेगा एक नई खबर के साथ, तब तक देखते रहे लोक सामना न्यूज़।